अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैंपियन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी या चैंपियन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगरचे पाकिस्तान के इकोनॉमी के कई चैंपियन सेक्टर है, कई चैंपियन प्रोडक्ट्स है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने एक सेक्टर को पिक किया है और वो है लेदर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लेदर सेक्टर के प्रॉब्लम्स को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उन प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, अपने लेदर सेक्टर को किस तरह डेवलप कर सकते हैं, अपने लेदर प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं ताकि हमारे लेदर प्रोडक्ट के लिए मार्केट एक्सपेंड हो विद इन एंड बियॉन्ड द बॉर्डर और इस तरह हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके और एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेक्टिफाई कर सके। इसके अलावा भी पाकिस्तान के और बहुत से चैंपियन प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर फिर बाद में हम उसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि मैं आपको इंटरनेशनल लेदर मार्केट के कुछ बुनियादी स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताऊं। ये बात याद रखे कि इंटरनेशनल ट्रेड के तहत लेदर को चार हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर या एच एस कोड में डिवाइड किया गया है। नंबर वन रॉ हाइट्स और इसका एच एस कोड है 41। नंबर टू आर्टिकल ऑफ लेदर यानी वो अशिया जो हम लेदर से बनाते हैं जैसा कि लेदर जैकेट, बेल्ट और बैग्स वगैरह और इसका एच एस कोड है 42। नंबर थ्री फर स्कैन और इसका एच एस कोड है 43। एंड नंबर फोर फुटवेयर और इसका एच एस कोड है 64। ठीक है, तो एच एस कोड पर मैंने अलग सी एक वीडियो बनाई है और अपने YouTube चैनल पर ब्रॉडकास्ट की है, आप वो वीडियो जरूर देखें। अब हम जरा इन चारों प्रोडक्ट का इंटरनेशनल लेदर मार्केट में शेयर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो शेयर है वो है फुटवेयर का यानी 54%, यानी फुटवेयर जो है वो इंटरनेशनल लेदर मार्केट का 54% कंस्टिट्यूट करता है। नंबर टू पे है फिर आर्टिकल ऑफ लेदर यानी जो लेदर से जो अशिया बनती है और इसका इंटरनेशनल लेदर मार्केट में शेयर है 36%। रॉहाइड एंड स्किन का सिर्फ 7% है और फर स्किन का बहुत ही कम है यानी सिर्फ 3%। यानी इस चार्ट से हम ये नतीजा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेदर मार्केट में जो सबसे ज्यादा शेयर है वो है फुटवेयर का। अब हम जरा 2017 से 2021 तक जो ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स है लेदर सेक्टर में उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मतलब अगर हम देखते हैं 2017 में, तो 2017 में जो टोटल ग्लोबल ट्रेड हुआ लेदर सेक्टर में उसकी मालियत थी $242 बिलियन। 2018 में यह बढ़कर 252 बिलियन US डॉलर हो गई और फिर 2019 में ये और बढ़ गई और 255 बिलियन US डॉलर हो गई, जबकि 2020 में फिर इसमें कुछ कमी हुई कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम अशिया के जो सप्लाई चेन के टीयर्स थे वो बुरी तरह इफेक्ट हुए, लेकिन 2021 में फिर ये बढ़कर दोबारा 257 बिलियन US डॉलर हो गई। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लेदर सेक्टर जो है ये फ्लरिश कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के तहत। ठीक है, यानी इसमें इजाफा हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जो वर्ल्ड लेदर मार्केट है उसका टोटल इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में कितना शेयर है। तो 2021 में टोटल जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ उसकी मालियत थी $20,110 बिलियन और इसमें जो वर्ल्ड लेदर मार्केट का शेयर है वो था $257 बिलियन। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट है इसमें लेदर का जो शेयर है वो है 1.27%, यानी ये शेयर बहुत कम है और इस शेयर को बढ़ाया भी जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उन चार कमोडिटी कोड्स का यानी चारों एचएस कोड का जो लेदर प्रोडक्ट्स के लिए असाइन किए गए तो उनकी ग्रोथ के ट्रेंड के बारे में बताता हूं। ठीक है, और ये ट्रेंड जो रहा है ये 2015 से 2021 तक रहा है। तो 2015 से 2021 तक जो रॉ हाइट्स थे उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें 46% तक कमी हुई। ये कमी इसलिए हुई क्योंकि फिर जो ज्यादातर ममालिक थे उन्होंने रॉ हाइट्स को जो कि बेसिकली एक प्राइमरी प्रोडक्ट है उनको फिनिश प्रोडक्ट यानी टर्शरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया यानी आर्टिकल ऑफ लेदर। तो इस वजह से हम देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ लेदर के ट्रेड में 9.50% का इजाफा देखा गया। इसके अलावा फर स्किन की जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें 50% तक कमी हुई और जो फुटवेयर है इसमें भी 4.60% की कमी हुई। तो ओवरऑल अगर हम इस ग्राफ को बुनियाद बनाते हैं जो टोटल लेदर सेक्टर में जो
कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें 7.60% का इजाफा की कमी देखने को मिली, लेकिन ये कमी इस वजह से हुई कि 2020 में कोरोना की वजह से जो इंटरनेशनल लेदर मार्केट था वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हुआ। तो मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लेदर का जो सेक्टर है ये फ्लरिश कर रहा है और इसमें कोई कमी हुआ क्या नहीं हुई। अब हम टॉप लेदर एक्सपोर्टर्स को देखते हैं, ठीक है, और इसके लिए जो डेटा हमने लिया है यूएन की वेबसाइट कॉम ट्रेड से लिया है और 2021 का डेटा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो लेदर एक्सपोर्ट किया वो चाइना ने किया, यानी 86 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर एक्सपोर्ट किया चाइना ने 2021 में, जो टोटल इंटरनेशनल लेदर ट्रेड का बनाता है 38.3%। उसके बाद इटाली ने 29 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर एक्सपोर्ट किया जो कि टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का बनता है 12.9%। फिर फ्रांस ने 7.7% के हिसाब से 17 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर एक्सपोर्ट किया, जबकि जर्मनी ने 13.40 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर एक्सपोर्ट किया जो कि टोटल इंटरनेशनल लेदर ट्रेड का 6% बनता है। और इसी तरह ये बाकी भी देखे अदर में वो तमाम ममालिक में शामिल किए हैं जो इन ममालिक के अलावा है, ठीक है। तो इस अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ी मार्केट है लेदर के लिए, जो सबसे ज्यादा लेदर एक्सपोर्ट करता है वो है चाइना। अब हम देखते हैं कि दुनिया के जो टॉप लेदर इंपोर्टर है वो कौन कौन से ममालिक है, और इसके लिए भी हमने बेस ईयर लिया है 2021 का, ठीक है। तो 2021 में सबसे ज्यादा जो लेदर इंपोर्ट किया वो यूएसए ने किया 43 बिलियन का, और ये 20% ऑफ द टोटल लेदर इंपोर्ट बनता है 2021 में, ठीक है। और जर्मनी ने 19 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर इंपोर्ट किया जो कि 9% बनता है टोटल लेदर इंपोर्ट का। इस तरह चाइना ने 18 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर इंपोर्ट किया जो कि बनता है 8% ऑफ द टोटल लेदर इंपोर्ट। फ्रांस ने 15 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर इंपोर्ट किया जो कि 7% ऑफ द लेदर इंपोर्ट बनता है। इटली ने 13 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर इंपोर्ट किया जो कि 6% ऑफ द टोटल लेदर इंपोर्ट बनता है। और जापान ने 10 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर इंपोर्ट किया जो कि बनता है 5%। यूके ने 8 बिलियन यूएस डॉलर का किया जो कि 4% बनता है, जबकि नीदरलैंड ने 8 बिलियन यूएस डॉलर का लेदर इंपोर्ट किया 2021 में जो कि 4% बनता है। तो उम्मीद है आप लेदर के बारे में जो बुनियादी स्टेटिस्टिक्स है उसके बारे में जान गए होंगे। तो हमारी अगले पर लेक्चर होंगी कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो लेदर सेक्टर के प्रॉब्लम्स है वो क्या है और उन प्रॉब्लम को हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।